वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं हम, क्योंकि सस्ता भी बहुत है और बहुत आसानी से भी बन जाता है, बहुत कम सामान के अंदर बनता है, हेल्दी भी होता है। आप इसको सुबह नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, रमज़ान शरीफ में, सहरी में भी, जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे कुछ खाया नहीं जाता, दाल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उनसे चखता नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बना सकते हैं हम, ये मज़ेदार भी बहुत होता है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है तकरीबन 1.5 किलो हमारे पास है दूध, फुल क्रीमी हमने दूध लिया है, 1 कप हमारे पास है साबुदाना। साबुदाना तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, मल्टी सहूलियाँ ली हैं जो कि सेहत को मज़ीद बढ़ा देती हैं। 1 कप हमने लिया है इसके अंदर चीनी, 1/2 कप हमने इसके अंदर लिया कंडीशन मिल्क और 5 चम्मच हमने इसमें लिया है वनीला आइसक्रीम पाउडर। आपके पास अगर कोई और फ्लेवर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। वनीला लिया है मैंने, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दूध है, हमने दूध को बॉयल कर लेना है। दूध को उबाल लेने तक हम पकाएंगे। दूध के अंदर उबाल आ गया है। दूध को उबाल आने के बाद हमारे पास जो साबुदाना था 1 कप, हमने इसमें साबुदाना डाल देना है। साबुदाना डाल के तकरीबन इसको 5 मिनट तक हमने इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है, पका है। साबुदाना डालने के बाद हमने इसको छोड़ना नहीं है, गर्मी के मौसम के लिए भी बहुत अच्छा है ये, तो साबुदाना ठंडा भी होता है। साबुदाने को हमने डालने के बाद दूध में 5 मिनट तक पकाया, साबुदाना बिल्कुल से पके तैयार हो गया। ये साबुदाने को गलाने के लिए, पकाने के लिए ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, 5 से 4 मिनट में साबुदाना पक के तैयार हो जाता है। देखिए साबुदाना बिल्कुल दाना सा हो गया, ये देखिए खोल गया इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो चीनी है हमने चीनी ऐड कर देनी है इसमें। चीनी डालने के बाद इसको 2 मिनट तक इस तरीके से चलाएंगे। चीनी डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक इस तरीके से पकाया है, बिल्कुल से मिक्स कर लिया है। चूल्हा हम थोड़ा सा मीडियम आंच से थोड़ा तेज़ कर लेंगे यहाँ पे। और अब हमारे पास जो मल्टी सेवइयाँ हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। और मल्टी सेवइयाँ डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है, सिर्फ 3 मिनट के लिए कुक करना है, क्योंकि फिर शिकायत होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि मल्टी सेवइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कुक हो जाती हैं, बिल्कुल से लड्डू बन जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती हैं, इस वजह से हो जाती है। सिर्फ इसको 3 मिनट का टाइम नोट कर लें, 3 मिनट तक आपने इसको इस तरह का पकाना है और चम्मच छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते जाना। ये देखिए 3 मिनट हो गए, सेवइयाँ बिल्कुल से पक गई हैं, तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, सर्दी गर्मियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा मीठा है, तो ठंडा भी होता है, जायकेदार भी होता है, फालूदे का टेस्ट देगा बिल्कुल से, बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने डाल देना है हमारे पास जो वनीला आइसक्रीम पाउडर था, हमने इसको 1/2 कप दूध के अंदर हल कर लिया था, अब हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद चूल्हा हमने कर देना है थोड़ा सा तेज़, और इसको बबल्स आने तक इसको 2 मिनट तक पकने पकाएंगे हम। इसे 2 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आइसक्रीम पाउडर हमने डाल दिया, देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं, कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, ये बिल्कुल से तैयार हो गया हमारा डिज़र्ट। अब हमने कर देना है चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करने के बाद हमारे पास जो कंडेंसेशन मिल्क है हमने उसको मिक्स करना है और उसको डिश आउट करना है। आज के हमारे ब्लू स्क्वायर डिज़र्ट की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है, इसको आप 2 से 3 घंटे फ्रिज में ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। समर के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आइसक्रीम फ्लेवर में ही इस वजह से और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ठंडा होगा तो बहुत ही यम्मी लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नए मेन्यू के साथ। अल्लाह।